तो इस पार्ट में हम बात करेंगे कापा मतलब करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के, और ये पॉइंट्स जानना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो के अंदर मैंने आपको बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में कापा के बारे में समझाया था, उसकी डेफिनेशन, उसकी पूरी प्रोसेस के बारे में कि वो क्यों लिया जाता है। यहां पर हम इसका इंपॉर्टेंस देखेंगे और इसके कुछ कुछ पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट ये होगा कि जब हम करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन लेते हैं तो हमको किन किन पॉइंट्स को ध्यान रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन जो होता है ना वो हमेशा नहीं लिया जाता है। मतलब कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं आप कभी भी मुंह उठा के आपने कापा ले लिया कि यार ये प्रॉब्लम आ रही, नहीं। रीजन उसका ये होता है कि आपको पहले प्रॉपर जस्टिफिकेशन देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अगर आप कोई करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन ले रहे हैं मतलब आप जो पुरानी जो आपका वर्किंग कल्चर था उसको चेंज कर रहे हैं, तो जब ऑडिट होगा, जब USFDA आएगा या कोई भी कंपनी का ऑडिटर आएगा, वो जब ये देखेगा कि यहां पर कापा लिया गया है तो वो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि आपने कापा लिया क्योंकि आपकी ड्रग की क्वालिटी बिगड़ रही थी इसलिए आपने कापा लिया। तो कापा लेने से पहले, करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शंस लेने से पहले, जो ड्रग बन रही थी और जो ड्रग बन के मार्केट में पास होकर चली गई है और बिक गई है और लोगों ने खा भी ली है, तो उसका क्या जस्टिफिकेशन है? ऐसा तो नहीं है कि वो ड्रग भी फेल थी और आपने जबरदस्ती उसको मार्केट में उतार दिया। इसी वजह से कापा लेने से पहले कंपनी को दो बार सोचना पड़ता है क्योंकि ऑडिटर यहां पर आपको पकड़ सकता है कि आपने कापा लिया तो क्यों लिया, और अगर आपने लिया तो जो पहले जो ड्रग बन रही थी कापा लेने से पहले उसके अंदर ऐसा तो नहीं है कि वो पास होकर जो चली गई है उसके अंदर, तो फिर वो अगर आपने कापा का डॉक्यूमेंट दिखा दिया कि मैंने यहां पर कापा लिया है, करेक्टिव एक्टिव करेक्शन एंड प्रिवेंटिव एक्शन हो चुका है यहां पर, तो फिर वो उन पुरानी ड्रग्स का जो कापा लेने से पहले जो ड्रग पास हुई और मार्केट के अंदर चली गई वो उनके रिकॉर्ड्स मंगवा लेगा, उनका QC रिकॉर्ड चेक करेगा, उनका प्रोडक्शन रिकॉर्ड चेक करेगा कि उनका बेसिकली उसका QC पे ही ज्यादा चांस होगा क्योंकि वहीं पे ड्रग पास और फेल हो सकती है, तो वहां पर वो चेक करेगा और कापा लेने के बाद में जो QC के रिकॉर्ड्स हैं उनको भी चेक करेगा, और फिर वो ये आपसे क्वेश्चन रेज कर सकता है कि अगर रिजल्ट्स एक जैसे रहे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी क्योंकि फिर आपको ये बताना पड़ेगा कि क्या हुआ, क्योंकि कापा लेने से पहले भी ड्रग पास हो रही थी और कापा लेने के बाद भी ड्रग पास हो रही है और रिजल्ट एक जैसे ही आ रहे थे दोनों के, तो फिर कापा लिया क्यों? यानी फिर आपने QC में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम करी है, वहां पर ऐसा कुछ ना कुछ चोरी करी है, डाटा इंटीग्रेशन क्या है, पॉइंट डाटा इंटीग्रेशन का भी उठ सकता है। इसीलिए यहां पर फिर एक कापा की वजह से आपको काफी क्वेश्चंस के जवाब देने पड़ सकते हैं, एक लंबी प्रोसेस हो सकती है ऑडिटर के साथ में। इसीलिए कापा लेने से पहले कंपनीज कई बार सोचती हैं और उसी के बाद वो करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन पे जाती है। ठीक है, तो बेसिकली मैं यहां पर तीन पॉइंट्स के बारे में डिस्कस कर रहा हूं कि कापा लेने से पहले क्या क्या समझा जाता है। सबसे पहले तो कंडक्ट एंड क्वालिटी असेसमेंट, जब आपको पता चल गया कि ये प्रॉब्लम है और हमको यहां करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन लेना है, तो सबसे पहले तो आपको वहां पर अपनी टीम उतारनी पड़ेगी, QA की टीम उतारनी पड़ेगी, और वो ये चेक करेगी कि कापा लेना क्या जरूरी है, क्या इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या ड्रग्स कितनी फेल हो रही है। ऐसा तो नहीं है कि ह्यूमन एरर की वजह से ड्रग फेल हो रही है, या हमारा जो प्रोडक्ट है यानी जो रॉ मटेरियल है उसकी वजह से ड्रग फेल हो रही है, या QC के अंदर कुछ प्रॉब्लम चल रही है, वहां पर जो अनट्रेंड पर्सन है, प्रॉपर पर्सन नहीं है, वहां पर सैंपल हैंडलिंग सही तरीके से नहीं हो पा रही है। इन सभी पॉइंट्स को एक बार असेस करेंगे, उसके बाद वो डिसीजन लेंगे कि कापा लेना है कि नहीं लेना है। थर्ड पॉइंट पे बात करें, यूटिलाइज अदर कॉर्पोरेट साइट। यहां पर का मतलब यह है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहां पर QA की पूरी टीम उतरेगी, और साथ में अगर QA को जरूरत पड़ती है तो वो अपने दूसरे प्लांट्स के लोगों को बुला सकते हैं कि आप आके चेक करिए कि कापा लेना क्या जरूरी है। हो सकता है कि प्लांट हेड खुद आ जाए, कॉर्पोरेट के पर्सन आ जाए, और कई बार तो ऐसा भी होता है कि उनको ऐसा लगता है कि हमारे पास ऐसा कोई पर्सन नहीं है, तो वो अलग दूसरी किसी कंपनी से या किसी एक्सटर्नल बॉडी से पर्सन को हायर करते हैं और वो फिर चेक करते हैं कि क्या कापा सही में लेना जरूरी है। ऐसा तो नहीं है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रॉब्लम अंदर ही चल रही है और हम किसी की पूरी प्रोसेस को ही चेंज करने जा रहे हैं, तो यहां पर एक प्रॉपर मीटिंग होती है और प्रॉपर डिस्कशन के बाद ही डिसीजन लिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, डेवलप कंप्लीट प्लान फॉर प्रोग्राम। यहां पर इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर आपने पूरा डिस्कशन कंप्लीट कर लिया और कंपनी को समझ में आ गया कि अब तो कापा लेना ही पड़ेगा, अब करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन लेना जरूरी है, तो यहां पर कंपनी को पहले पूरा प्लान बनाना पड़ेगा कि कापा कौन लेगा, कब लेगा, कैसे लेगा, कौन कौन से पर्सन होंगे इसके अंदर, पूरी टीम जो काम करेगी वो, जैसे प्रोडक्शन के अंदर लेना है तो प्रोडक्शन की टीम भी आ जाएगी उसके अंदर, कि प्रोडक्शन के अंदर कौन रहेगा, QA की जो टीम रहेगी वो उसको हेड कौन करेगा, डॉक्यूमेंटेशन पे काम कौन करेगा, जो प्रोडक्शन में रहेंगे, यहां तक ऊपर से लेकर नीचे तक के पर्सन डिसाइडेड हो जाएंगे और उसी के बाद ही कापा की प्रोसेस होती है, वो स्टार्ट होती है। ऐसा नहीं कि बस आप कापा लेना है चालू करो ये करेक्टिव एक्शन, ऐसा नहीं, क्योंकि हर प्रोसेस का डॉक्यूमेंटेशन होता है इसमें, इसीलिए यहां पर प्रॉपर प्लानिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हम ये डिस्कस करते हैं कि कापा लेने से पहले, करेक्टिव एक्शन लेने से पहले
जो क्यूए डिपार्टमेंट होता है और जो कापा की जो पूरी टीम होती है वो क्या क्या सोचती है और उनको क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसपे वो डिस्कस करते हैं। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कि कापा जो करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन होता है वो एक जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस है फार्मा इंडस्ट्री के अंदर, और कापा को आप बार बार नहीं ले सकते, और अगर आप एक बार कापा ले रहे हो तो आपको पूरा जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा कि आप यू करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन क्यों ले रहे हो। उसका रीजन मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि यूएस एफडीए के हिसाब से अगर यूएस एफडीए इंडस्ट्री के अंदर आता है उसके ऑडिट के अंदर वो ये पकड़ता है कि इन्होंने जो कापा लिया है वो अननेसेसरी है, वो लिया नहीं जा सकता था, उस पुराना जो प्रोसेस था उससे भी काम चल सकता था, अगर वो ये चीज साबित कर देते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो उस पॉइंट के थ्रू ये साबित करेंगे कि इस पूरी इंडस्ट्री के अंदर जो वर्किंग कल्चर है वो पूरा फर्जी है। समझ रहे मेरी बात को? मतलब यहां पर अगर आप करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन ले रहे हो तो आपको यहां पर प्रॉपर जस्टिफाई करना पड़ेगा, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा, रीजन देना पड़ेगा कि क्यों आपने एक कापा लिया था और इससे आपको क्या रिजल्ट मिले, और अगर ये आप नहीं लेते तो इसका क्या होता। मतलब आपको सब बताना पड़ेगा कि जब आपने कापा नहीं लिया था तब आपके रिजल्ट्स कैसे आ रहे थे, जब आपने कापा लिया तो रिजल्ट कैसे आए, और अगर आप ये कापा नहीं लेते तो आपके रिजल्ट कैसे हो सकते थे। उन सभी का जस्टिफिकेशन डॉक्यूमेंटेशन आपको देना पड़ेगा, ठीक है? नहीं तो अगर यूएस एफडीए को यह बात पता चल जाती है कि यह जो कापा लिया गया है और उनको जो आपने जो जस्टिफिकेशन दिया है वो सही तरीके से नहीं दिया है, और अगर वो ये चीज पकड़ लेंगे कि नहीं जो पुराने प्रोसेस था वही ठीक था, इन्होंने जबरदस्ती ये लिया है या किसी गलती को छुपाने की वजह से लिया है, या हम आ रहे थे ऑडिट करने के लिए इस वजह से इन्होंने ये अभी अभी ये कापा लिया है उस वजह से, क्योंकि इन्होंने पुराने टाइम पे बहुत चोरियां करी, डाटा इंटीग्रेशन करा था, तो यहां पर यूएस एफडीए फिर पूरी इंडस्ट्री को फ्रॉड घोषित कर सकता है और उस पर्टिकुलर उस कापा की वजह से इंडस्ट्री का यूएस एफडीए भी जा सकता है, ठीक है? तो यहां पर जब कापा लिया जाता है, कापा की जो प्रोसेस होती है तो वो प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में होती है, प्रॉपर चेकिंग होती है। तो यहां पर जब करेक्टिव एक्शन लिया जाता है तो कुछ पॉइंट्स है उस पर मैं डिस्कस करता हूं। फर्स्ट पॉइंट है रूट कॉज डिटर्मिनेशन। जब हमको कोई करेक्टिव एक्शन लेना है, किसी गलती को ठीक करना है, तो पहले क्यूए डिपार्टमेंट और वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, चाहे वो क्यूसी में हो या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में हो, वहां के जो पर्सन्स होंगे वो भी साथ में आएंगे और वो पहले ये चेक करेंगे कि गलती हो कहां रही है, और उस गलती को वो चेक करके उसको पकड़ेंगे, और वहां पर वो ये उनका जो डिस्कशन होगा बेसिकली या जो उनकी मीटिंग होगी वो इसी बात पे होगी, क्या इस गलती को बिना कापा लिए भी ठीक किया जा सकता है, और कोशिश उनकी यही होगी कि बिना गलती किए, मतलब वायर डेविएशन या इंसिडेंस बना के उस गलती को ठीक कर दें हम लोग, यही होगी उनकी कोशिश। कापा पे वो नहीं जाएंगे, कापा पे वो तभी जाएंगे जब उनको ये लगेगा कि ये गलती बार बार रिपीट होगी और इस वजह से हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी बिगड़ जाएगी, और इसको हम डेविएशन और इंसिडेंस या वायर ट्रेनिंग के थ्रू ठीक नहीं कर सकते हैं, देन फिर वो कापा के ऊपर जाएंगे, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट है डिटरमाइन स्कोप ऑफ प्रॉब्लम। यहां पर प्रॉब्लम भी इंपॉर्टेंट है, कि ऐसा तो नहीं है कि प्रॉब्लम बड़ी बहुत छोटी प्रॉब्लम है और उसके लिए हमको कापा लेना पड़ रहा है, तो यहां पर प्रॉब्लम भी देखी जाएगी कि उस प्रॉब्लम की वजह से हमारे प्रोडक्ट की क्या क्वालिटी पे इफेक्ट आ रहा है और हमारे जो आगे रिजल्ट्स आएंगे उस पर भी क्या इफेक्ट तो नहीं आएगा। तो प्रॉब्लम भी देखी जाएगी कि प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, अगर प्रॉब्लम छोटी सी है और बिना कापा लिए ही उसको ठीक किया जा सकता है तो इंडस्ट्री बिना कापा लिए ही वाया इंसिडेंस और डेविएशन बना के या वाया ट्रेनिंग करके थ्रू भी उस प्रॉब्लम को ठीक कर लेगी, बट अगर प्रॉब्लम बहुत बड़ी है और प्रोडक्ट की क्वालिटी पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है, देन फिर उनको कापा पे जाना है। नेक्स्ट प्रिवेंट रिकरेंस एट कॉर्पोरेट लेवल। दोनों की चीज एक ही है। कहने का मतलब यह है कि यहां पर जो भी एक्शन लिया जाएगा, जो भी करेक्टिव एक्शन लिया जाएगा, उसके बाद प्रॉब्लम वापस रिपीट नहीं होनी चाहिए। इसको श्योर करना बहुत जरूरी है कि ऐसा तो नहीं है कि हमने कापा ले लिया और कापा लेने के बाद पता चला कि प्रॉब्लम फिर से वही आ गई है। कहने का मतलब यह है कि कापा में जो हमने करेक्टिव एक्शन लिया वो सही नहीं लिया है, प्रॉब्लम कुछ और थी, हमने कुछ और प्रॉब्लम कर ली है और ये प्रॉब्लम फिर कॉर्पोरेट लेवल तक चली गई है और ये चली रही है, बार बार रिपीट हो रही है। तो बार बार कापा नहीं ले सकते हो आप, कापा एक ही बार होगा, कापा दूसरी बार भी हो सकता है, ठीक है? बट प्रॉपर, मैंने क्या बोला है, प्रॉपर जस्टिफिकेशन होना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि बस एक दो लाइन में आपने बता दिया सर ऐसा हुआ था इस वजह से हमने करेक्टिव एक्शन प्रिवेंट, ऐसा नहीं होता है। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होगा, प्रॉपर रीजन, मतलब रीजन बहुत हैवी होना चाहिए कि सामने वाला ऑडिटर भी ये बात समझ जाए कि हाँ कापा लिया, सही करा, इसके अलावा इनके पास कोई चारा नहीं था। ऐसा नहीं कि आपने कापा ले लिया उसके बाद लगा कि नहीं यार ये तो कुछ भी था और बाद में फिर आप वापस कर रहे हो, ऐसा नहीं। प्रॉपर प्रोसीजर, कापा आप दूसरी बार भी ले लो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट
ऐसा तो नहीं कि उसी मिस्टेक की वजह से कापा तो फिर ये प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी, कई लोगों की नौकरी जाएगी, इसमें क्यूए की नौकरी भी जाएगी, फिर वो जो कापा लेने वाली जो टीम थी ना उसको जवाब देना भारी पड़ जाएगा, उसको फिर कॉर्पोरेट को जवाब देना पड़ेगा कि भैया आप कापा बार बार क्यों ले रहे हो, एक ही गलती का कापा आपने पहले भी लिया था फिर उसको वापस ले रहे हो, तो ये कॉर्पोरेट के लिए फिर हो जाएगा कि इनका जो वर्किंग कल्चर है, जो इनके हेड ऑफ पर्सन है उनको ही काम करना नहीं आता, इनके जो जनरल मैनेजर है, इनके जो प्लांट हेड लोग हैं उनको वर्किंग कल्चर का कुछ पता नहीं है, उनकी ट्रेनिंग सही नहीं है, ये लोग फर्जी है तो उनकी नौकरी जाएगी। तो यहां पर कापा को बार बार नहीं लेना है, एक ही बार लेना है, मतलब यही लोग लड़ मरेंगे आपस में, फिर क्या होता है, ब्लेम गेम चालू होगा, क्यूए वाला कहेगा प्रोडक्शन वाले ने बोला था इस वजह से हमने लिया, प्रोडक्शन वाला बोलेगा क्यूए वालों ने तो साइन करे हैं तो इनकी गलती है, ये ब्लेम गेम हो जाएगा, तो आपस में जो हेड जो है, जो सीनियर पर्सन है वही आपस में लड़ मरेंगे। तो यहां पर कापा दूसरी बार लेना मतलब सीनियर्स की माथे चली जाएगी बात, तो आपको ऊपर इस टाइप से करेक्टिव एक्शन लेना है जिस वजह से प्रॉब्लम वहीं पे फाइनल सॉर्ट आउट हो जाए और उसकी बार बार रिपीटेशन ना हो। स्टार्ट करते हैं और ये समझते हैं कि कापा की पूरी प्रोसेस क्या होती है और इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे डिस्कस करते हैं जो कि हमको समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले है प्रॉपर स्ट्रेटेजी। आप जब कापा लेने का आप डिसाइड कर चुके हैं कि अब हमको करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन लेना है तो प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। प्लानिंग से मतलब जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कि सबका रोल डिसाइडेड होना चाहिए कि कौन कब करेगा कैसे करेगा, डेट डिसाइडेड होनी चाहिए, हर पर्सन का रोल डिसाइड होना चाहिए, टीम डिसाइडेड होना चाहिए, ये होती है प्रॉपर स्ट्रेटेजी। साथ ही साथ ये भी मैंने आपको बता चुका हूं कि आपका डॉक्यूमेंटेशन कौन करेगा, कैसे आपको उसकी लैंग्वेज यूज करनी है, इसके आपको क्या, और लैंग्वेज के अंदर मैं आपको ये भी कि क्यों ले रहे हैं, इसका क्या रिजल्ट्स होगा और अगर नहीं लेते तो क्या होता, ये स्ट्रेटेजी के अंदर आएगा। मैनेजमेंट, एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट भी जो होगा वो इसके साथ में आपके साथ लगा होगा। जब आप प्रोसेस चलेगी मतलब यहां पर केवल एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट ही करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन नहीं कर रहा है, उसके साथ क्यूए तो है ही, साथ में जो मैनेजमेंट है, जो हायर अथॉरिटीज हैं, जो कॉर्पोरेट में बैठे हुए लोग हैं वो भी इसके ऊपर पूरी तरीके से नजर रखते हैं और वो भी इसको पूरी तरीके से, क्योंकि वो जो कॉर्पोरेट में बैठे हुए हैं वो कम से कम 10-10, 20-20 साल का एक्सपीरियंस लेके बैठे हुए हैं, तो वो अपना एक्सपीरियंस जो है वो उस टीम के साथ शेयर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, इसमें जो क्यूए होता है बेसिकली जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्यूए तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर ही रहा है, साथ ही साथ क्यूए जो होता है ना, जो दूसरे पर्सन से मतलब यहां पर क्यूए के जो हेड है या जो अदर पर्सन है वो भी इसको पूरी तरीके से मॉनिटर करते रहते हैं बाहर से बैठ के कि यहां पर जो वर्क चल रहा है वो सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कौन कैसा काम कर रहा है, वो पूरी की पूरी तरीके से उस पर नजर रखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है साइट मीटिंग एंड ट्रेनिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए यहां पर होता यह कि अगर आप करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन ले रहे हैं और वो एक्शन काफी बड़ा है, हो सकता है कि आप पूरी की पूरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस चेंज कर रहे हैं या कोई एनालिटिकल मेथड चेंज कर रहे हैं, कोई नया इंस्ट्रूमेंट लेके आ रहे हैं, पुराने इंस्ट्रूमेंट को हटा रहे हैं, तो या कोई नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, कोई नया सॉफ्टवेयर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो आपको ये जो करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन होगा जहां पर एक बहुत मेजर चेंज होगा और यहां पर अगर आप करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन जब ले लेंगे तो इंप्लॉयज ही उस पर काम करेंगे, तो इंप्लॉयज को आपको पूरी प्रॉपर ट्रेनिंग देना बहुत जरूरी है। अगर आप प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दोगे तो सीधी सी बात है आप भले कापा कर भी लोगे तब अब ट्रेनिंग ही नहीं है तो काम कैसे करेंगे, तो सीधी सी बात है फिर से गलतियां होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो जब आप कापा लेना स्टार्ट कर दोगे तो यहीं साथ में आप उन इंप्लॉयज की ट्रेनिंग भी स्टार्ट कर देंगे कि जो उस पर फिर काम करेंगे, तो ट्रेनिंग भी साथ में चलना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है मैनेजमेंट डेलीगेट समवन टू ड्राइव कापा रेजोल्यूशन। मैनेजमेंट जैसे कि मैंने आपको ऊपर वाला पॉइंट बताया था ये उससे जुड़ा हुआ है कि मैनेजमेंट के जो लोग होंगे वो भी आपके साथ जुड़े हुए रहेंगे और वो भी आपके साथ 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 में काम करेंगे जिससे कि एक पूरी टीम वर्क होगी। यानी कि कहने का मतलब ये कि ये कापा केवल एक डिपार्टमेंट में ही नहीं रहेगा, जैसे प्रोडक्शन में कर रहे हैं तो केवल प्रोडक्शन के लोग ही कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, पूरा मैनेजमेंट जो होगा वो पूरी तरीके से यहां पर आपके साथ में रहेगा, क्योंकि उनको भी जब ऑडिट होगा तो उनको भी जवाब देना है, उनसे भी क्वेश्चनिंग हो सकती है, हो सकता है एचआर से भी क्वेश्चनिंग हो जाए, तो यहां पर मैनेजमेंट के जितने भी पर्सन हैं जो कि हो सकता है कि उनसे भी क्वेश्चनिंग हो या उनको भी ऑडिट में प्रेजेंट रहना पड़े, इसलिए उनको पूरा नॉलेज होना चाहिए कि जो वर्किंग हो रही है, जो कापा या करेक्टिव प्रिवेंटिव एक्शन हो रहा है वो सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और हो रहा है तो कैसे हो रहा है। नेक्स्ट, ड्राइविंग फोर्स मस्ट बी प्रिवेंट। यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि जब करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन लिया जाएगा तो जो डेट डिसाइड की गई है उसी में ही होगा, क्योंकि जब आप करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन ले रहे हो तो वहां पर आपका वर्किंग बंद हो चुका है। ठीक है, अगर आप प्रोडक्शन एरिया में ले रहे हो तो सीधी बात है उस ड्रग की प्रोडक्शन बंद हो जाएगी, हो सकता है कि पूरा डिपार्टमेंट बंद हो जाए, उस समय शटडाउन हो जाए, तो यहां पर कंपनी को बहुत घाटा होगा। तो कहने का मतलब मेरा यह भी है कि करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन जो होना चाहिए वो पूरे जो टाइम डिसाइड किया गया उसी टाइम पे होना चाहिए, और अगर कोई भी टीम मेंबर, कोई भी इंप्लॉई
अगर यहां पर कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, उसको वर्किंग नहीं आ रही है, वर्क को काफी स्लो डाउन कर रहा है, बहुत धीरे धीरे काम कर रहा है, बहुत गलतियां कर रहा है, डॉक्यूमेंटेशन में गलतियां कर रहा है, तो उस पर्सन को भी देख के उसको चेक करके उसको फिर हटाना पड़ेगा और नया पर्सन वहां पर लाना पड़ेगा। समझ रहे हैं? मतलब यहां पर टाइम की बहुत इंपॉर्टेंस है। आप ऐसा नहीं कि आपका करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन जो है वो एक एक महीने दो दो महीने तक चल रहा है, ऐसा नहीं होगा। ये बहुत ही कम टाइम के अंदर ये प्रोसेस होती है, क्योंकि प्रोडक्शन नहीं रुकना चाहिए। इस वजह से ये जो एक्शन है उस सही टाइम पे होना चाहिए और सही टाइम पे इसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। ये देखें कि ऐसे कौन से रीजन है जिसकी वजह से हमारा जो कापा है, करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन है, वो फेल हो सकता है। तो उसके मोटे मोटे अगर हम देखें तो केवल चार रीजन होते हैं जिसकी वजह से कापा की जो प्रोसीजर है कई बार फेल भी हो जाती है। तो उसमें सबसे पहले है एग्जामिनेशन, के आपने प्रॉपर एग्जामिनेशन ही नहीं करा कि प्रॉब्लम क्या है, और उससे पहले ही आपने करेक्टिव एक्शन ले लिया। तो एग्जामिनेशन करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट हो सकता है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का मतलब यह है कि जो पूरी टीम होगी, कहने का मतलब है क्यूए की टीम, जैसे प्रोडक्शन के अंदर हो रहा है तो प्रोडक्शन के पर्सन भी बैठेंगे, क्यूए के पर्सन भी बैठेंगे, उनके बीच में अगर एग्रीमेंट और कम्युनिकेशन सही तरीके से नहीं होगा, अगर कम्युनिकेशन सही तरीके से नहीं होगा तो वो किसी चीज पे एग्री नहीं हो पाएंगे। और यहां पर जो सीधी बात, फिर कापा फेल ही होना है, क्योंकि यहां पर फिर जब कम्युनिकेशन ही नहीं हो रहा है, वो आपस में बात ही नहीं कर रहे हैं, कोई मीटिंग ही नहीं हो रही है और वो अपने थॉट्स शेयर ही नहीं कर रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम तो होनी ही होनी है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एग्जीक्यूशन। अगर आपने कापा सही कर लिया, ये सारी प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट हो गई, बट एग्जीक्यूट नहीं कर पाए, एग्जीक्यूट का मतलब है कि जब आपने ये करेक्टिव एक्शन इंप्लाय करा, उसको चेंज करा, बट जो पर्सन वहां पर वर्किंग कर रहे हैं, जिनका काम है इसको करना, चाहे वो प्रोडक्शन में हो, क्यूसी में हो, और वो प्रॉपरली ट्रेंड ही नहीं है, उनकी ट्रेनिंग ही सही तरीके से नहीं हुई है और वो अपने हिसाब से ही काम कर रहे हैं, तो फिर वापस गलतियां होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो कहने का मतलब है कि एग्जीक्यूशन के लिए भी आपको तैयार रहना है। आपने कापा तो सब सही तरीके से कर लिया, प्रिवेंटिव एक्शन भी ले लिया, बट जब आप उसको एग्जीक्यूट कर रहे हो, उसको जब धरातल स्तर पर ला रहे हो और उसको जब अप्लाई कर रहे हो, तो वहां पर जो वर्कर्स हैं, जो पर्सन्स हैं, चाहे वो केमिस्ट हो, जूनियर ऑफिसर्स हो, जिनको हैंडलिंग करनी है मशीन की, प्रोसेस की, उनको ट्रेनिंग नहीं है तो गलतियां होगी। एक चीज और, कापा राइटिंग, जब हम कापा का डॉक्यूमेंटेशन करते हैं तो कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन लिखते हैं, तो उसके अंदर मैं डीपली में नहीं जा रहा हूं, साइड में मैंने सारी इन्फॉर्मेशन लिख दी है, तो वहां पर आप ये देख सकते हैं कि हम क्या क्या इन्फॉर्मेशन इसके डॉक्यूमेंटेशन में देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है असेंबल डॉक्यूमेंटेशन। तो जो डॉक्यूमेंटेशन उसके अलावा, जो कापा राइटिंग के बाद में जो कुछ और डॉक्यूमेंटेशन होते हैं जो हमको लगाने पड़ते हैं, वो होते हैं एसओपीस। जब हमने नया कापा लिया है तो नई एसओपी भी बनेगी, स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर। नेक्स्ट होगा रिकॉर्ड्स, ये जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो भी लगेंगे। ऑडिट्स इंटरनल, अभी तो देखिए एक्सटर्नल ऑडिट तो हुआ नहीं है, इंटरनली ऑडिट होता है। इंटरनल ऑडिट में क्या होता है कि उसी कंपनी के किसी दूसरे प्लांट से पर्सन्स को बुलाया जाता है और ऑडिट किया जाता है, तो ये इंटरनल ऑडिट्स के जो डॉक्यूमेंट होते हैं ये भी साथ में लगते हैं। या कई बार क्या होता है कि कंपनी जो होते हैं बाहर के जो एक्सटर्नल पर्सन होते हैं उनको खुद हायर करती हैं और उनसे ऑडिट कराती हैं। कई बार यूएस एफडीए के जो रिटायर्ड पर्सन होते हैं वो भी ऑडिट करते हैं और बहुत भारी पैसा लेते हैं। ठीक है, तो रिटायर्ड पर्सन यूएस एफडीए के, अमेरिका से ही आते हैं। नेक्स्ट है ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग, जो आपने अपने एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग दी, नए कापा जो करेक्टिव एक्शन के हिसाब से आपने जो नई प्रोसेस स्टार्ट करी है, जो भी आपने नई इन्वॉल्व चेंजेस किए हैं उसके हिसाब से जो भी आपने अपने एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग दी है, तो उनके रिकॉर्ड्स भी यहां पर लगते हैं। अगर कापा अप्लाई हो जाता है, करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन हमने अप्लाई कर दिया, तो हमारी जो जवाबदारी है क्यूए की वो खत्म नहीं हो जाती है, यहां पर अभी कंटिन्यू रहेगी। करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन लेने के बाद क्यूए डिपार्टमेंट जो होगा वो रिव्यू मीटिंग करता रहेगा, रिव्यू करता रहेगा, उसको चेक करता रहेगा कि हमने जब कोई भी करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन लिया है तो उसके रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं, उसका वो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करेगा। साथ ही साथ जो उनकी हायर अथॉरिटीज होंगी उनको भी वो, उनके साथ भी वो मीटिंग करेगा और उनको बताएगा, उनको पूरा जस्टिफाई करेगा कि हमने ये क्यों लिया, किस लिए लिया, और उसके सामने वो डॉक्यूमेंटेशन भी रखेगा। एक चीज यहां पर इंपॉर्टेंट है कि जो कापा लिया जाता है तो जब करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन, जो पूरी प्रोसीजर होती है, इसका जो पूरा डॉक्यूमेंटेशन होता है वो इस तरीके से कंप्लीट किया जाता है कि अगर कल भी अगर यूएस एफडीए सरप्राइज आ जाए, सरप्राइज अगर वो ऑडिट करने के लिए आ जाए, तो आप पूरी तरीके से प्रिपेयर रहें। तो जब कापा का कंप्लीशन, कंप्लीट वर्क कंप्लीट हो जाता है, इसका डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो जाता है, तो इसको इस तरीके से कंप्लीट किया जाता है कि अगर कभी भी ऑडिट हो तो आप तैयार हो, आपको प्रॉपर जस्टिफिकेशन देने के लिए तैयार हो। इसका मतलब ये नहीं है कि कापा को अधूरा छोड़ दिया जाएगा कि हम बाद में देखेंगे और फिर वो पुराने रिकॉर्ड्स उठाते कह रहे वो कापा रिमेनिंग था उसको ठीक करना, ऐसा नहीं
होगा, कंप्लीट होगा, पूरा होगा, पूरा डॉक्यूमेंटेशन होगा, रिव्यू मीटिंग्स जो हुई हैं उसका भी डॉक्यूमेंटेशन होगा कि आपने जो रिव्यू करा उसको भी करना है, किन किन ने मीटिंग अटेंड करी, क्योंकि ये जो लोग मीटिंग अटेंड करेंगे, रिव्यू मीटिंग जो कि क्यूए करवाएगा, क्यूए के जो बड़े अधिकारी हैं वो भी उसके अंदर बैठेंगे, तो इससे ये फायदा होगा कि कल को अगर, देखिए कल को अगर वो जो क्यूए का पर्सन था जिसने इस कापा को हैंडल किया था, अगर वो कंपनी से चला जाता है, ठीक है, अगर वो कंपनी से रिजाइन दे देता है, तो उस मीटिंग में बैठे हुए जो भी सीनियर पर्सन होंगे वो फिर ऑडिट को हैंडल कर सकते हैं। इसीलिए कापा जो भी करेक्टिव प्रिवेंटिव एक्शन आपने लिया है उसका नॉलेज, पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो कंपनी के करीब करीब सारे बड़े लोगों को होना चाहिए जो बड़ी पोस्ट पे जॉब कर रहे हैं, ठीक है, उनको इसका पूरा इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, यानी पूरा नॉलेज होना चाहिए। कल को अगर वो नहीं भी है तो कोई सीनियर पर्सन आके उस मीटिंग में जो भी उसको नॉलेज मिलेगा, जो भी डॉक्यूमेंटेशन वो चेक करेगा, उसके हिसाब से वो ऑडिटर्स को जवाब दे सकता है। एक इंपॉर्टेंट पार्ट ये हो गया। एक मैं एक इंपॉर्टेंट टिप आपको बता दूं कि जब भी कापा लिया जाता है तो उसकी लैंग्वेज को इतना ज्यादा भी स्ट्रांग नहीं रखा जाता है कि यूएस एफडीए आपके ऊपर शक करने लग जाए। आपको ऐसा भी कोई रीजन या इस टाइप से डॉक्यूमेंटेशन की लैंग्वेज नहीं रखनी है कि आपके ऊपर यूएस एफडीए शक कर दे, कि इतना ज्यादा कुछ तो हो नहीं सकता है, मतलब आपको नॉर्मल रहना है। कापा आपने लिया और जब ऑडिट भी होता है तो अब हम ऑडिटर से जब आपको बात करनी है और आपको कापा के बारे में बात करनी है तो आपको बिल्कुल नॉर्मल रहना है, आपको घबराना नहीं है। अगर आप घबराए या आपने कापा को ऐसे शो किया यूएस एफडीए के सामने कि आपने बहुत बड़ी गलती करी थी जिसकी वजह से आपने कापा लिया है, तो फिर यूएस एफडीए को शक हो जाएगा और फिर हो सकता है वो पुराने रिकॉर्ड खोल के बैठ जाए। तो आपको कापा को ऐसे शो करना है कि एक नॉर्मल प्रोसेस थी और बिल्कुल इजी वे में ये हो गया और हमने हमारा प्रोडक्शन कंटिन्यू रहा, मतलब इस हिसाब से अगर आप शो करोगे तो यूएस एफडीए भी उसी हिसाब से उसको हैंडल करेगा और एक नॉर्मल प्रैक्टिस के वे में लेगा। बट अगर आप कापा को ऐसे शो करोगे कि हमने बहुत बड़ी कोई बहुत बड़ा तीर मार दिया है या हमने बहुत बड़ी कोई प्रोसेस कर दी है जिससे हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत बढ़ गई, पहले तो कुछ भी नहीं होता था, तो ये फिर गए काम से। फिर वो यूएस एफडीए जो होगा फिर वो आपको बैठ जाएगा, फिर वो चालू कर देगा काम। तो कहने का मतलब ये है कि ये पूरा प्रोसीजर जो होता है ना ये बिल्कुल स्मूथली होना चाहिए, ठीक है। तो ये था मेरा कापा के ऊपर वीडियो, करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन के ऊपर मेरा डीपली वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच और बने रहिए मेरे साथ। एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि अगर आप भी इन इंस्ट्रूमेंट पर ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम इन अवर इंस्टीट्यूट। इंस्टीट्यूट का एड्रेस और सारी इंफॉर्मेशन, चाहे वो ईमेल आईडी हो या चाहे उसका मोबाइल नंबर हो हमारा, वो सभी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं और अगर आपकी कोई क्यूरी है तो वो भी आप हमको बता सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स वर्क से जुड़े हुए हैं, कोई पीएचडी वर्क से जुड़े हुए हैं या आप कोई ऐसे कोर्स से जुड़े हुए हैं जहां पर आपको इन इंस्ट्रूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है या आपके पास कुछ ऐसे सैंपल हैं जो इस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट्स पे ही रन हो सकते हैं बट वो आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो हमारा इंस्टीट्यूट ऐसी कंसल्टेंसी सर्विस भी प्रोवाइड कराता है और उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी हमने हमारे लिंक बॉक्स के अंदर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको प्रोवाइड कराई है। तो बने रहिए हमारे साथ और हमारा वीडियो देखते रहिए। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। थैंक यू।